भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक माह के 28वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कार्तिक का महीना सभी 12 महीनों में सबसे बड़ा पुण्यकारी और अक्षय पुण्य फल देने वाला महीना माना गया है। इस महीने में प्रातःकाल जल्दी स्नान करना तथा भगवान शालिग्राम का और तुलसी माता का पूजन करना, भगवान विष्णु जी का पूजन करना तथा ब्राह्मण को अन्नदान, गोदान, वस्त्र दान करना महान पुण्यकारी माना जाता है। तो आपसे अनुरोध है कि कार्तिक माह का पुण्य लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। अब हम आपको कार्तिक माह के 28वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूर्त श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। पढ़े सुने जो प्रेम से वह हो जाए शुद्ध स्वरूप, यह 28वां अध्याय कार्तिक कथा अनूप। धर्मदत्त ने पूछा कि हे देवराज, जय और अजय, अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल बन गए। प्राचीन काल में व्रण बिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही दो सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल देव का प्रागट्य हुआ। जय और अजय दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर महामंत्र का जाप किया करते थे और विष्णु भगवान का व्रत किया करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे। वे नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देवर्षि नारद जी गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बन करके यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सारा धन दिया। वह दोनों भाई दक्षिणा लेकर के अपने अपने आश्रम को चले गए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन का बराबर भाग होना चाहिए। अजय ने कहा कि जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसी का ही है। तब जय ने क्रोध में आकर के अजय को श्राप दिया कि तुम धन लेकर के नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम ग्राह बन जाओ। अजय ने जय को दिया श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया कि हे अभिमानी, तू अहंकारी है, जा हाथी बन जा। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो भगवान ने श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा कि हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी व ग्रह की योनि से कैसे छूटेंगे। हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होगी। यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते हैं। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर
एक स्तंभ यानी खंभे से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने श्रापों को भोग करके मेरे लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर भगवान विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह गंडकी नदी के किनारे ग्राह यानी मगर और हाथी के रूप में हुए। पूर्व जन्म का स्मरण रहने के कारण इस योनि में श्री भगवान विष्णु का व्रत नियम से किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णिमा को वह हाथी स्नान करने के लिए गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया तो हाथी ने भी विष्णु जी का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर के उन्हें वैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चक्र के आघात से वहां के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध है। हे प्रिय, आपने विष्णु जी के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया है। हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग करके विष्णु भगवान का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को सम दृष्टि से देखो। तुला मकर मेष की संक्रांति में नित्य प्रति स्नान किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। एकादशी का व्रत किया करो। गो ब्राह्मण वैष्णव की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वाले को मसूर की दाल और बैंगन के साग को कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर का त्याग करके लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ दान और यज्ञ दूसरा कोई नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है। जिसका आधा फल तुमने कल्हा को दिया उसके बाद हम कल्हा को वैकुंठ ले जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु की भक्ति का उपदेश दे करके कल्हा को साथ लेकर के भगवान विष्णु के पार्षद वैकुंठ लोक को चले गए और धर्मदत्त भी उनके आदेश के अनुसार भगवान की विष्णु की भक्ति में तल्लीन हो गए। जब उनका देहांत हुआ, उनका अंत समय आया तो अपनी स्त्रियों के साथ में वो भी विष्णु लोक को चले गए। हे राजन, कोई भी प्राणी जो प्राचीन काल के इस इतिहास को कहता है या इस कथा को सुनता है वह अंत समय में भगवान विष्णु के परम पद को यानी विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कार्तिक माह के 28वें अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। श्री गोसाई जी महाराज की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है, कथा सुनने के बाद यदि आप कथा के निमित्त धन राशि प्रदान करना चाहते हैं, दक्षिणा के स्वरूप आप दान पुण्य करना चाहते हैं या कार्तिक माह के निमित्त कोई भी दान पुण्य आप नगद राशि के रूप में करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि पहुंचा करके कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। सादर धन्यवाद।